जय भीम जय मल्लेवासी। हाल ही में 9 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से जो डिसीजन आया है, जिसमें उन्होंने रिलायंस के मालिक की जियो इंस्टीट्यूट को एमिनेंस टैग दिया और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और यह एक चर्चा का विषय बन गया। तो जानते हैं आज क्या है यह पूरा मसला इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का। आज हमारे बीच मौजूद है अरंत और प्रशांत। आप दोनों का स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। सबसे पहले अरंत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह क्या मसला है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का। देखिए, 9 जुलाई 2018 को एचआरडी मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू दो ट्वीट भेजे थे। उस दोनों ट्वीट में उन्होंने कुछ 6 इंस्टीट्यूट है जो भारत के, जो 6 इंस्टीट्यूट है, उन 6 इंस्टीट्यूट को कॉन्ग्रेचुलेट किया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ये टैग दिया गया है, तो हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। इस तरीके का जो ट्वीट एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया, वो ट्वीट हमारे सामने नजर आया और फिर बाद में एक तरीके की हलचल पूरे सोशल मीडिया में और एक तरीके की हलचल पूरे न्यूज मीडिया में आ गई कि गवर्नमेंट ने किस एक नई तरीके का एमिनेंस टैग, इस तरीके का टैग जो है ये कुछ नए इंस्टीट्यूट को दिया है, गवर्नमेंट की किसी जीआर या किसी नोटिफिकेशन में नजर नहीं आया। और अभी हम लोग जो जानते हैं कि जो एमिनेंट इस शब्द को अगर हम लोग डिक्शनरी में देखें तो ये समझ में आएगा कि कोई प्रसिद्ध हो या फिर कोई बहुत ही अच्छा कोई स्थान हासिल किया हो, उसको हम लोग एमिनेंट कहते हैं। तो अगर एमिनेंट इस नजरिए से भी अगर देखें तो भारत में IITs, NITs और IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इस तरीके की बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग एमिनेंट कह सकते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने किसी तरीके का एक नया टैग किसी इंस्टीट्यूट को दिया। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज के साथ आप कैसे देखते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे आप? जी, बेसिकली देखा जाए तो अपने पास ऑलरेडी एमिनेंस स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी है। इसमें इसका रैंक देखा जाए तो उसमें 174-175 के आसपास का भी है, तो आगे है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग टॉप 100 की लिस्ट में आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स उतने लेवल पे है। लेकिन ये जो अभी मूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ये एक्चुअली इसका बेसिस जो है वो UGC के पहले 2016 के बजट से आता है। 2016 के बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने बोला था कि बजट स्पीच में बोला था कि हम लोग ऐसे 20 इंस्टीट्यूट बनाने चाहेंगे जो 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे, जिनको हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग देंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वो एक्चुअली मतलब है क्या? तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने चाह रहे हैं जो वर्ल्ड में कॉम्पीट कर सके। अभी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में देखे जाए तो IITs है, IIMs जो है मैनेजमेंट स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो जनरल स्टडीज में है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट्स में जो होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है और काफी इंस्टीट्यूट भी है। अरंत, वर्ल्ड में ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो एमिनेंस इंस्टीट्यूट के तहत आती है या जानी जाती है? देखिए, ये दो बातें हैं इसमें, टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट कहना और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी कहना, ये दो अलग बातें हैं। इंस्टीट्यूट आपने किसी एक स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए आपने खड़ा किया हो, इसमें आपको ये एक तरीके की लाइन फ्रेमवर्क है, उसके बारे में आप काम करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी होती है ऐसी है कि जो एक ओवरऑल पूरे फ्रेमवर्क को लेकर चलती है। एजुकेशन सोशल साइंसेस हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंजीनियरिंग हो गया, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज आ गया, तो ये सारे चीजों को लेकर यूनिवर्सिटीज काम करती है। तो पूरे वर्ल्ड में QS की रैंकिंग को ज्यादा मान्यता दी जाती है, तो 176 के बाद ही आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 176 पे IIT दिल्ली है, फिर 178 पे आपको IIT बॉम्बे मिलेगा, तो उसी तरीके से IIM 190 स्थान पर है। तो टॉप 200 में तो नजर आते हैं, लेकिन टॉप 100 या टॉप 20 में नजर नहीं आते। तो टॉप 10 में अगर हम लोग देखे जाए तो QS रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, फिर ऑक्सफोर्ड आ गया, फिर आपका लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस आ गया। तो इस तरीके की बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है और आज उसमें एक बहुत बड़ा रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, जिस रिसर्च को बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती है। हम जानते हैं कि रघुराम राजन का नाम हम लोग जानते हैं, जो भारत के गवर्नर थे, वो भी एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से आए हैं और अभी वहां पे वापस प्रोफेसर है। तो एक तरीके से इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज है, जो पूरे फ्रेमवर्क को लेके चलती है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये टॉप रैंकिंग है। पंकज, आप किस तरह से
वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट को भारत के इंस्टीट्यूट के साथ देखते हैं? बेसिकली व्हाट दे आर व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, मतलब वो जो क्या करना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को, मतलब अपने जो इंस्टीट्यूट्स है यहाँ के अभी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट्स है या जो एस्टैब्लिश होने वाले हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए इन द टॉप लेवल। तो अभी जो यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज है टॉप 10 में, तो उनका उनकी स्टडी कंपैरेटिवली अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ करें देन वी कैन फिगर इट आउट, मतलब तो हम लोग कितने पानी में। तो अभी उनका अगर बजट देखा जाए तो इनसे कई गुना ज्यादा, तो वो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का टैग लेने के बावजूद भी अगर वो बजट को नहीं छू पाते या उस बजट के क्लोज भी नहीं जा पाते जो अभी फॉरेन इंस्टीट्यूट का है, तो देन इट इज टास्क, इट डजंट लुक लाइक ए पॉसिबल टास्क। उसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसी बड़ी इंस्टीट्यूट को भारत के किसी इंस्टीट्यूट के साथ में, तो एक जाहिर बात है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसमें लगने वाले बजट के बारे में कंपेयर जरूर करेंगे। तो जैसा कि पंकज ने कहा कि एक तरीके से वो बहुत डिफरेंस है, ठीक है, इस बात को लेकर भी चलते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अगर आपके पास में अगर रिसर्च अगर इस तरीके का हो रहा है, अगर उस रिसर्च का काम अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो जिस लाइन में काम करना चाह रहे हैं अगर उसका कोई काम उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है किसी देश की प्रगति में लिए कि अगर किसी देश की प्रगति में लगने वाले जो इशू है उस इशूज पर अगर रिसर्च नहीं अगर हो रहा हो, तो उस इंस्टीट्यूशन को अच्छे रिसर्च स्टूडेंट मिलते ही नहीं है। हम लोग भारत के भी अगर आप देख लेंगे कि कितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसको अभी अभी ये जो आया है टैग ऑफ एमिनेंस, ये डीम्ड टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से स्वायत्ता दी जाएगी कि वो अपने आप में कुछ नया काम करें। तो अगर इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी अगर स्टडी करेंगे हम लोग, तो ये नजर आएगा कि इसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को जब उन्होंने स्टार्ट किया तो बहुत बड़े बड़े प्रपोजल्स के नाम पे स्टार्ट किया, लेकिन बाद में नजर ऐसा आया कि उन्हें रिसर्च स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे हैं, एक रिसर्च फैकल्टी भी नहीं मिल रही है क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ा सके, और तीसरी सबसे बड़ी बात प्रपोजल में रिसर्च के लिए काम करना लिखना एक बहुत अलग बात है, लेकिन रिसर्च के लिए लेबोरेटरीज बनाना, और अभी अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये एफिलिएटेड लेबोरेटरीज के साथ में काम कर रही है। तो एक तरीके से सिर्फ बजट ही इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो किस तरीके से इंटेंडेड है काम करने के लिए और किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है काम करने के लिए, वो बेसिस होना चाहिए किसी तरीके का टैग अवॉर्ड कर। अरंत, हम जानना चाहेंगे कि यह जो न्यूज़ आई है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस की, तो यह किसने और कैसे डिसाइड किया कि यही 6 इंस्टीट्यूट्स कहे जाएंगे एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस? ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। गवर्नमेंट ने जो भी टैग अगर जब देती है, अगर हमने हिस्ट्री अगर देखी, कोई भी अवार्ड अगर देती है, तो ये नजर आता है कि एक रिसर्च तरीके की एक्सपर्ट कमेटी बनती है। गवर्नमेंट ने भी इस गाइडलाइंस के तहत, मैं गाइडलाइंस का नाम अगर बता दूं आपको, तो एक तरीके का गाइडलाइंस बनाया है जिसको कहा गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2017। जब ये उन्होंने बनाया तो इसके अंदर में उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाने की बात कही है। तो एक गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसको कहा गया है एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी, ईईसी। ईईसी के तहत एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और उस एक्सपर्ट कमेटी ने जितने भी प्रपोजल्स आए ऑल ओवर इंडिया में, उस प्रपोजल्स को ध्यान में रखते हुए 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं इसको, उसमें से सिलेक्ट किया जाए कुछ इंस्टीट्यूट को जिसको हम लोग एमिनेंस ऑफ टैग दे सकते हैं जो उनके फ्रेमवर्क में बैठते हैं। हुआ ये कि इस कमिटी ने 6 ऐसे नाम दिए एप्लीकेशन से, उस एप्लीकेशन में से 6 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से कंट्रोवर्शियल जो अभी है वो है जियो का, अभी कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन एक एमिनेंस ऑफ टैग का नाम दिया गया है उसके प्रपोजल पेपर। और उसमें और एक बात ऐसी है कि जो अभी गवर्नमेंट ने ये सब जो हुआ उसके बाद में और ये कहा कि हम अभी भी कुछ प्रपोजल्स देख रहे हैं, और उस प्रपोजल्स में सबसे ऊपर में सर्वोपरि जो अगर दिखाई देता है तो वो वेदांता ग्रुप का एक यूनिवर्सिटी है जो वो उड़ीसा में करना चाह रहे हैं, तो जिनके पेपर्स अभी तक तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट वेट कर रही है ऐसे कुछ प्रपोजल्स के लिए और जो उनको प्रपोजल दे और कुछ टैग का ये करे। बाहर के देश के इंस्टीट्यूट्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता होगा? वहाँ की जो ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो ऑपरेशंस ह्यूमन लेवल्स पे किया गया है। आप देखोगे कि आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अगर हिस्ट्री उठा लो तो 100-150 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। 150 साल पुराने पहले वहां पे आप देखोगे कि
अमेरिका जो है वो बहुत एकदम शुरुआती दौर पे थे अपने डेमोक्रेसी को लेकर, और सभी सभी समझ में आ गया कि गवर्नमेंट के पास में उतना पैसा भी नहीं था कि किसी इंस्टीट्यूट को वो बनाए, लेकिन कुछ जानकार लोग, कुछ ऐसे भी लोग जो ह्यूमन वैल्यूज को ज्यादा ये देते कि भाई प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए, तो उन्होंने उसको फंड करना शुरू किया। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रो हुआ, और एक तरीके से जो ह्यूमन वैल्यूज में जो बिलीव करने वाले लोग हैं, इवन बिजनेसमैन क्यों ना हो, जैसे हम लोग देखेंगे कि मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटीज को एक बहुत बड़ा फंड दिया था पिछले 2 साल पहले अपने फाउंडेशन में से। इस तरीके के कई ऐसे फंडिंग है, जैसे रॉकफेलर आप देखोगे, रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी बहुत सारा पैसा दिया है। नोबल इंस्टीट्यूट, नॉट अ बिजनेसमैन, दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट, ये हमको समझना जरूरी है। तो क्या इंडिया में बनने वाले जो इंस्टीट्यूट है वो प्रॉफिट मेकिंग होंगे, या ह्यूमन वैल्यूज के लेवल पर सही तरीके का एजुकेशन ग्रांटिंग करने वाले इंस्टीट्यूट होंगे, ये हमको एक कहीं ना कहीं एक लकीर समझनी पड़ेगी, या फिर हमको ड्रॉ करनी पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो टाटा ने उसको फंडिंग किया है, लेकिन इस बात पर फंडिंग नहीं किया है कि उसको उसमें से कुछ और पैसा मिलेगा, इस बात पर फंडिंग किया है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट बने सोशल साइंसेस को लेकर, इसके लिए वो फंडिंग हुआ है। तो इस लेवल पे काम करना चाहिए, इस लेवल पे मार्जिन खड़ी करनी चाहिए, और उसके साथ में आगे जाकर हम लोग देख सकते हैं कि फिर अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है डूम्ड हो जाएंगे। पंकज, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस पर किसका कब्जा रहेगा ऐसा आपको लगता है? इनका उद्देश्य अगर उनको कॉम्पीट करने का है ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो इनका फी स्ट्रक्चर will be derived from the global institute, मतलब कुछ हद तक तो relative रहेगा। अगर उनसे अगर समझ लो 1 करोड़ रुपए फीस लेते हैं ईयर का, तो उसके कुछ relatively भी इंडियन स्टूडेंट से लेंगे, समझ लो 50% लेते हैं या 30% लेते हैं उसका, तो फिर भी अगर देखा जाए तो वो एक 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 मेजर अमाउंट होता है जो कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा वो। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि ये दिस विल बी फॉर द बिजनेस क्लास पीपल, और उनके लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना फीस देना अफोर्डेबल नहीं होगा। अभी आज की तारीख में भी मेडिकल भी उतना महंगा हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि ऑर्डनर भी बहुत ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही, क्योंकि इसका रिजल्ट्स ऐसे ही होने वाले, देयर विल नॉट बी एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फी स्ट्रक्चर, इवन इफ इट इज फ्रॉम इंडिया स्टूडेंट और फ्रॉम द आउटसाइड स्टूडेंट। ऊपर से उनको लगने वाला खर्च बहुत ज्यादा है, तो इस पे से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि देयर द फीस विल बी वेरी हाई एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। सो अभी हमारे जो ऑर्डनरी क्लास के लड़के हैं, SC ST OBC हो गया या जनरल, अभी करंट इंस्टीट्यूट में फीस देने के लिए पैसा नहीं है, देन दे कैन नॉट थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन्स, मतलब वो उनके विजन के बियॉन्ड हो गया, वो दे कैन नॉट गो देयर एट द मोमेंट। अरंग जी, इसमें से एक बात भी ये सामने आती है कि अभी 2018 चल रहा है और 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं, रीजन उनको किस तरह से आया है कि हमें अगले 5 साल में हम लोग इसको सस्टेनेबल तरीके से ये करेंगे? तो इस साल हो सकता है कि 1000 करोड़ उन्होंने सपोज दे दिए और अगले साल वो गवर्नमेंट ही नहीं रहे, दूसरी गवर्नमेंट रहे, तो मतलब ये पैसा या ये जो ओवरऑल खर्चा किया है भारतीय गवर्नमेंट ने वो मतलब एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। एकदम सही कहा आपने। देखिए, एक तो ये जो एमिनेंस ऑफ टैग के को लेकर जो गाइडलाइंस बने, ये गाइडलाइंस है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, ना ही इसको किसी तरीके का यूजीसी बैकिंग है, स्ट्रक्चरल बैकिंग। तो ये बात समझ सकते हैं कि ये बहुत ही क्या कहते हैं कि टूटे हुए बस्ते के ऊपर खड़ी हुई चीज है, तो कभी भी गिर सकती है। तो पहली बात तो क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसके बेसिक के ऊपर में। अब रही बात इलेक्शंस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साल में इलेक्शन है, हो सकता है एक साल के पहले भी हो, तो इस एक साल के पहले में तो कोई इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो फंडिंग का प्रोसेस ही एक लंबा होता है, एक के बाद एक फंडिंग आएगी, साल लग जाएंगे, 1-2 साल लग जाएंगे, वो इंस्टीट्यूट खड़े जियो इंस्टीट्यूट को बनते बनते मेरे ख्याल से अगले 5 साल लग जाएंगे, लेकिन तब तक फंडिंग हो जाएगी। एक साल में इलेक्शन है, तो ऐसा नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक भागदौड़ चल रही है कुछ यूनिवर्सिटीज को, कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एमिनेंस टैग के अंदर में लाया जाए, किसी तरीके से उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए और किसी तरीके से उनको मान्यता दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप कुछ करिए, ताकि उनको कंट्रोल मिल जाए, एक तरीके का ये अंदेशा है। तो ये बात सही है, हो सकता है एक साल के बाद में गवर्नमेंट रिप्लेस हो जाए, मान के चले वो भी, तो हो सकता है कि नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो नए तरीके से इसको सोचे, हो सकता है कि नए पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इसके बारे में सोचे, और जबकि ये गाइडलाइंस खुद कहती है कि ये किसी भी तरीके के यूजीसी फ्रेमवर्क को न मानने वाली ऐसे एमिनेंस टैग ऐसे नई यूनिवर्सिटीज बनाए, तो हो सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर अगर विश्वास रखती हो तो क्यों ना वो हो सकता है कि इसे वापस रिपील में डाल दे।
तो ये जो करा कराया जो पूरा एक एक साल का जो जो घी बना रहे हैं वो पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो एक तरीके से ये मतलब जो फाइनेंस की बात हो रही है या 1000 करोड़ आज के तारीख में देने की बात जो हो रही है, आपको क्या लगता है कि मतलब ये फंड गवर्नमेंट कहाँ से जनरेट करना चाहती है या कहाँ से गवर्नमेंट के पास में क्या इतना सफिशिएंट सरप्लस फंड है कि वो ऐसे मतलब जो आज ग्रीन फील्ड के अंदर मतलब खेपरों पे कब्जों पे इंस्टीट्यूट्स है उनको फंडिंग करना चाहती है, मतलब ये फंड क्या इतना सरप्लस फंड है गवर्नमेंट के पास में? देखिए आप अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कहूंगा कि एजुकेशन में जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट है भारत के बजट में ये काफी कम है एज कम्पेयर टू यूएस या फिर जो जिस बड़ी यूनिवर्सिटीज में हम लोग जाने की बात कर रहे हैं वहाँ के जीडीपी का इन्वेस्टमेंट बहुत डिफरेंट है। तो रही दूसरी बात, यहाँ के इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ अगर आप देखोगे कुछ यूनिवर्सिटीज में टीचर्स के फैकल्टीज के पेमेंट्स पे कम से कम दो दो तीन तीन महीने के पेमेंट्स अभी तक गए नहीं है, पहुंचे नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है वो सिर्फ टैक्स के मार्फत आने वाला पैसा है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो गवर्नमेंट ये क्यों डिसाइड कर रही है कि वो सबसे पहले जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है गवर्नमेंट अपने 1000 करोड़ देने के लिए क्यों तत्पर हो रही है? कुछ तो इंस्टीट्यूट सामने आने चाहिए। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब बात होती है तो कम से कम प्राइवेट पार्टनरशिप कहीं ना कहीं वो बेसिक दिखाए, कुछ स्ट्रक्चर दिखाए, उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसको फंड करना चाहिए उसके अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आज के डेट में उसके ऊपर में विचार ही नहीं हो रहा है ऐसा दिखाई देता है। तो ये 1000 करोड़ देने के पीछे गवर्नमेंट क्यों इतनी तत्परता दिखा रही है ये आपके इलेक्शन वाले सवाल से जुड़ सकता है। वो लोग अगर ये बेनिफिट नहीं ले पा रहे उसका then there should be some provisions. If the provisions are not there, then it is no use for the general people. तो general people का पैसा उसमें नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारे देश में मेरिट के बारे में बहुत चर्चा होती रहती है। मेरिट आज के डेट में एक बहुत बड़ा हवा है जो तैयार किया गया है कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट कोटा के मार्फत आपको अगर शून्य मार्क भी अगर हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा आपके पैसे के बदले में। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहता है कि रिप्रेजेंटेशन हो और रिप्रेजेंटेशन के मार्फत भी जो आपको जो जो कोटा दिया गया है वहां पे मेरिट के मार्फत ही लोग आते हैं, वहां पे भी एक मेरिट लिस्ट लगती है। तो मेरिट का हवा करने की बात यहाँ पे आ जाती है। हम कहते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री को एक शॉर्ट फॉर्म में एक स्लोगन में अगर कहा जाए तो बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ पे तो ऐसा नजर आ रहा है बाय द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर द कॉर्पोरेट बॉडी एंड एवरीथिंग विल बी फॉर द कॉर्पोरेट बॉडी। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो इसके बारे में अवेयर रहे, इसके बारे में समझे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके ऊपर में अगर प्रहार हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरिट के नाम से अपने आप को चलाना चाहते हैं। मिडिल क्लास की जो हम बात करते हैं मतलब मिडिल क्लास में जो बच्चे ऑलरेडी जाने वाले थे या जाने वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आज के तारीख में, और जहाँ तक मतलब क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ IITs एंड IIMs एंड ऑल दिस इंस्टीट्यूट्स आर देयर दीस आर ऑलरेडी हैविंग देयर ओन लेवल्स, उनका एक अपना लेवल है, तो उस लेवल में वो कुछ हद तक लोग जा रहे हैं तो उनके लिए मतलब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। लेकिन जहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे टीचर्स नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गाँव लेवल तक, वहाँ पे इस तरीके से मतलब एजुकेशन के माध्यम से आम जनता को फायदा पहुंचाया जाए ये प्रायोरिटी करने की बजाय वो आमतौर पर ये देख रहे हैं कि मतलब जो ऑलरेडी बेनिफिटेड है उनको और कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए और ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी पे इन्हीं जो रूलिंग क्लास का है उनका कंट्रोल किस तरह से बना रहे और ये मतलब इतने जल्दबाजी में सारे फैसले आ रहे हैं कि मतलब चाहे कल हमारी गवर्नमेंट रही ना रहे लेकिन उसके पहले ये सारे जो है जितने निर्णय लेना है वो निर्णय ले लेने चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का पंकज और अरुण जी कि आपने अपना कितने समय यहाँ पे दिया और ये जो विषय है विश्लेषण इस पे काफी मतलब गहराई से हमने विश्लेषण किया और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इसमें से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। हम ऐसे ही अलग अलग इश्यूज को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे और नए नए विषयों के बारे में ऐसी ही चर्चाएं करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष।